वहाँ पे झाग भी तो बनता है ना, पेस्ट जो होता है झाग बनाता है, और झाग जो होता है वो झाग बोले या पेस्ट बोले वो बेसिक नेचर का होता है, और एसिडिक और बेसिक नेचर का जो भी मटेरियल मिक्स होता है तो रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, ना तेरा ना मेरा, हम दोनों मर जाते हैं। फिल्मों में देखा ना विलन और कभी कभी हीरो दोनों एक साथ मर जाते हैं, वही हाल यहाँ का होता है। ये विलन है, पेस्ट होता है डिटर्जेंट, मतलब बेसिक नेचर का होता है, दोनों एक दूसरे को मार के ख़त्म कर देता है, हम लोग खुला करते हैं जम्स उसके साथ, ठीक है ना। हिकअप्स में क्या आता है ना, एक्चुअली जो पाइप होता है उसमें से हवा ही निकलता है वो, ठीक है ना। होता क्या है कि जब हम कुछ खाते हैं तो कंडीशन ये होता है ना, खाना आता है स्टमच में जाना चाहिए, तो अचानक कभी कभी होता है कि हम कहीं अहिकअप आने का मेन कारण क्या होता है पता है, जब आप खाना खा रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना गलती से क्या होता है, फूड पाइप की जगह पे विंड पाइप में चला जाता है, जाना मतलब जाने वाला होता है, तो विंड पाइप को तो हवा चाहिए, उसको खाना चाहिए नहीं ना, तो वो क्या करता है उस कंडीशन में, झट से ना पता चल जाता है कि नहीं खाना का जो रास्ता है वो डाइवर्ट हो गया है, तो वो हिचकी मारता अंदर से, खाना पुराने जगह पर जा, अब वो गधा ऐसा होता है उस डर जाता है ज़्यादा, वो इतना बार मारने लगता है कि बार बार आपको जगाता है, उसके पास देखिए जब हिचकी आने लगती है ना तो सारा सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है, सारा जो टेंशन वेंशन होता है सब दूर हो जाता है, आप टेंशन रहता है कि कब हिचकियाँ खत्म होगा। फेफड़ा का गरीब है, इधर खाना इधर कहाँ रहे, दाल चावल इधर, तो फेफड़ा मारेगा थड़ाक से, तो बक बक बकले लगा कहीं इधर आता है, उधर रास्ता है तुम्हारे पास, इधर आता है यहाँ पे, तो मारेगा झटका मारेगा तो भाई आपको हिचकी आएगा यहाँ पे, तो ब्रेन को याद आएगा रे इपिग्लोटिस हुआ कुछ गड़बड़ किया क्या रे, तो इपिग्लोटिस के क्या हम गड़बड़ किए क्या, चिल्ला रहे थे कि हम किधर घूमे तो पता नहीं किधर ध्यान था, समझा क्या, ये एक ही रास्ता है, इसी से हमारा सांस अंदर जाता है और इसी से हमारा क्या अंदर जाता है, भोजन अंदर जाता है, तो ये वाला मुंह में जो हल्ला फायरिंग्स हो तो एक ही है, तो वहाँ तक तो खाना एक ही बार में जाता है, ये हो गया हमारा फायरिंग, ये ब्लैक वाला समझ जाइए ये सांस लेने के लिए, ये एक ही रास्ता है यहाँ तक में रास्ता कैसा है एक है, अब यहाँ से दो रास्ते बन जाते हैं, एक चला जाएगा आपका फेफड़ा में, कहाँ चला गया फेफड़ा में, और एक चला जाएगा आपका भोजन के लिए, ये कहाँ चला गया भोजन के लिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये वाला हिस्सा चला गया फूड के लिए और ये वाला हिस्सा चला गया एयर के लिए, ये फूड के लिए, लेकिन दोनों आया था एक ही रास्ते से, दोनों कहाँ से आया था एक ही रास्ते से आया था दोनों, अब यहाँ दिक्कत है इधर ले जाना है तो फूड के लिए रास्ता एक ही है, तो यहाँ पर एक चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं इपिग्लोटिक्स, इपिग्लोटिक्स यहाँ फैला देते हैं तो छोटा ही इपिग्लोटिक्स बोलते हैं, इपिग्लोटिक्स इपिग्लोटिक्स जो होता है वो सांस लेने वाली नली और खाना जाने वाली नली, तो ये इधर वाला एयर है इसमें क्या जाएगा वायु जाएगा और इसमें क्या जाएगा भोजन जाएगा यानी फूड जाएगा, अब ये बीच में एक इपिग्लोटिक्स होता है, अगर ये इपिग्लोटिक्स इधर घूम गया, ध्यान से देखिए बाबू ध्यान से समझो, अगर ये इपिग्लोटिक्स इस साइड में घूम गया इस साइड में तो भोजन इधर चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इधर घूम गया तो इधर चला जाएगा, जब हम सांस लेते हैं या मुंह से सांस लीजिए या नाक से सांस लीजिए, तो जब हम सांस लेते हैं तो इस इपिग्लोटिक्स को पता है अब ये इधर घूम जाता है तो हवा उधर चली जाती है, तो जब कभी भी हमें हवा लेते हैं सांस लेते हैं तो ये इधर हो जाता है और सारा का सारा हवा फेफड़ा में चला जाता है, लेकिन जब कभी हम भोजन को निगलते हैं या पानी को निगलते हैं तो ये इपिग्लोटिक्स इस साइड हो जाता है जिससे कि हवा वाली नली फेफड़ा वाली नली बंद हो जाती है और भोजन इधर चला जाता है, अब हम समझाएंगे अभी आगे आपको किसको इशारा कौन करता है पूरा पहले समझिए उसके बाद कमेंट किया, भोजन जैसे आएगा तो भोजन को इधर जाना है तो इपिग्लोटिक्स इस साइड घूम जाएगा, जैसे ये इस साइड घूमेगा ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा और सारा का सारा भोजन इधर चला जाएगा यहाँ चला गया, लेकिन अगर वहीं अगर इपिग्लोटिक्स देखिए ये इपिग्लोटिक्स अगर मान के चलिए कि हमको हवा लेना है हवा सांस अंदर लिए है तो ये इपिग्लोटिक्स किधर घूम जाता है इस साइड में, जैसे ये इस साइड घूमेगा आप बताइए तो ये वाला रास्ता बंद हो गया हवा उधर चली जाएगी, ये यही काम होता है इपिग्लोटिक्स का, लेकिन जैसे ये गड़बड़ होता है ना हमें हिचकी आने लगती है, जैसे इपिग्लोटिक्स को कैसे पता चलेगा कि हम पानी लिए हैं भोजन लिए हैं कि हवा लिए हैं, तो इस इपिग्लोटिक्स को पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर क्या आ रहा है, हवा आ रहा है पानी आ रहा है किधर भेजना है किधर नहीं, इसको कंट्रोल करता है ब्रेन, कौन कंट्रोल करता है ब्रेन, जैसे आप पानी पिएंगे तो ब्रेन को पता चल गया जरूर पानी पी रहा है इसको किधर भेजना है इस साइड में भेजना है, तो इपिग्लोटिक्स को क्या देगा वो ब्रेन मैसेज भेज देगा इपिग्लोटिक्स को कि पानी जा रहा है तुम इधर दशक इसको बंद कर दो, पानी वाले को क्या कर दो बंद कर दो इस साइड, समझ आएगी नहीं, तो पानी वाला जैसे बंद हो जाएगा तो भोजन किस साइड में चला जाएगा, पानी इस साइड में चला जाएगा या भोजन इस साइड में चला, तो इपिग्लोटिक्स को घूमना किधर है ये डिसाइड कौन करता है ब्रेन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करेगा ब्रेन को, ब्रेन डिसाइड करता है, लेकिन कभी कभी हम खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त किसी दूसरे की यादों में खोए रहते हैं, अब जब याद में खोए हैं कि कोई कैसा था वो पुरानी यादें पिछले साल लॉकडाउन से पहले क्या था हम किसके साथ घूमने गए थे ये सब यादों में खोए रहेंगे तो आपका ब्रेन हो जाएगा पीजी, ब्रेन क्या हो जाएगा पीजी,
और जब ब्रेन बिजी हो जाएगा तो एपिग्लोटिक्स कहेगा अरे ब्रेन पगलवा ये खा रहा है कुछ, बोल रहा है इसको इधर भेजे कि इधर भेजे। अब ब्रेन तो हो गया बिजी, अब ब्रेन किसको छोड़ देगा, एपिग्लोटिक्स को छोड़ देगा। अब एपिग्लोटिक्स को समझ में नहीं आएगा क्या करना है, अब वही एपिग्लोटिक्स कभी गलत, अब एपिग्लोटिक्स पे कंट्रोल नहीं रहा, अभी किधर घूमेगा कोई ठीक नहीं। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो इससे इधर ही घूम गया, अब आप देखना एपिग्लोटिक्स घूम गया इधर, अब ये वाला रास्ते बंद कर दिया, अब वो जो खाना है वो कहाँ चला जाएगा, सांस वाले में चला जाएगा, या पानी किस में चला जाएगा, सांस वाले में। अब इधर सांस वाले में जाएगा तो इधर फेफड़ा, फेफड़ा का इधर खाना इधर कहाँ रहा, दाल चावल इधर, तो फेफड़ा मारेगा थड़ाक से बकलवा कहीं इधर आता है, उधर रास्ता है तुम्हारा भाई इधर आता है, यहाँ पे तो मारेगा थड़ा, छटका मारेगा तो भाई आपको हिचकी आएगा यहाँ पे, तो ब्रेन को जाता है एपिग्लोटिक्स को कुछ गड़बड़ किया क्या, एपिग्लोटिक्स क्या हम गड़बड़ किया, चिल्ला रहे थे कि हम किधर घूमे किधर घूमे, पता नहीं किधर ध्यान था, समझ गया। तो हमें हिचकी तब आती है जब हम किसी दूसरे को याद कर रहे होते हैं, और हिंदुस्तान में लोग उल्टा बोलते हैं कि हमारा कोई याद कर रहा है, अरे भैया कोई वाईफाई के कनेक्शन रखा तो याद करेगा तो हिचकी पड़ जाएगा, ऐसा तो हम याद ना देखें हमको, हमारा दिन भर लड़का याद करते रहता है सर कि सर क्या पढ़ाए क्या पढ़ाए, पता चला हमारा सांस लेने से ज्यादा हिचकी आते रहेगा, हम तब तक हिचकी हमको नहीं आएगी जब तक हम दूसरे को याद ना करें, समझ आएगी नहीं किसी को दिक्कत। हिचकी अब कहेंगे खनवा सड़क कैसे जाता है, तो कभी कभी देखिए ध्यान से, कभी कभी समझते हैं कबो कबो सड़क जाता है, कैसे सड़क जाएगा, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में जैसे ही खाना जो है इधर जाता है और ये वाला रास्ता बंद देखता है तो खाना यहाँ आने का सोचता है, तो अभी ये शुरुआते में है तो फेफड़ा उसको ढकेल देता है तो हिचकी आ जाता है, ऐसे ढकेलता है और फेफड़ा एक दो बार नहीं ढकेलता है, कई बार ढकेलता है, भाग भाग अच्छा पानी पी लेंगे ना तो यहाँ अटकल का इधर लेके चले जाएंगे, फेफड़ा आके देखेगा सब किया कि नहीं, एक बार और ढकेले ऐसे हिचकी आते रहे। कभी कभी ससुराल ज्यादा ही नीचे उतर आते हैं सर, ज्यादा ही क्या होता है नीचे उतर आते हैं सर, अब फेफड़ा घुसिया जाता है, अरे चुटका बिना आई कार्ड का तुम फेफड़ा में कहा रहे, इधर तुम्हारा कौन जगह है, इधर तो हीमोग्लोबिन आएगा ऑक्सीजन लेने के लिए, तू लोग को कहाँ से लेके जाएगा, इधर कहीं चलाया, बस अब की बार फेफड़ा हो गया घुसिया गया है और एकदम हराहे मार देता है, हराहे समझते हैं हिंच के एकदम सो स्ट्रांगली एकदम हचाक से मारेगा ऐसे ना कि खाना पीना सब नाक से फेंक देगा, तब कहीं फेफड़ा सड़क गया तो कोई ऐसे मारता है, कहे कि ब्रेनवा कहीं दूसरे को याद कराता है, सोच सोच रहे पकड़ो अपना छोड़ पे लेने देखिए एपिग्लोटिक्स के देख पहुंची हुई, तो जब ये ज्यादा उतर जाएगा तो मच के खेल देगा पुण्य, और जब कभी कम निकलेगा तब हिचकी आएगा हल्का हल्का, तो हिचकी का आना सड़क जाना ये हमारा ब्रेन डिस्टर्ब था किसी दूसरे की याद में, कभी टेंशन में कभी कुछ कभी कुछ, अदरवाइज में हिचकी वगैरह नहीं आती है, सारा काम किसका होता है एपिग्लोटिक्स का, क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल में कि भोजन और वायु इन दोनों के मार्ग यानी पाथ का डिसाइड